चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपना बैंक अकाउंट को फ्री से अनफ्रीज कैसे करें या ब्लॉक से अनब्लॉक कैसे करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं अपना जो अकाउंट है उसे फ्रीज होने का क्या कारण है, कौन सा ऐसा रीज़न है जो इस वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज किया गया है, और फ्रीज होने के बाद किस तरह से आप उसे अनफ्रीज करें। तो लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फ्रीज होने के कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कई कारण दिए गए हैं, लेकिन जो अपना कारण है पर्सनल लोन अगर आपने लिया है तो उसे आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया या चुकाया नहीं है तो आपका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है। इसे अनफ्रीज करने के लिए आपको होम ब्रांच में जाना होता है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है, कोई भी अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपने टैक्स का चुकाया नहीं है तो टैक्स नहीं चुकाने के कारण भी आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इसका भी वही सेम रीज़न है, आपको अपनी ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाने के बाद वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी है, फिल करने के बाद अपना अकाउंट है वो दोबारा से अनफ्रीज करवा सकते हैं। इसके लिए जो तीसरा और भी कई कारण दिए गए हैं, जैसे अगर आप किसी संस्था या व्यक्ति से लिया गया कर्ज नहीं चुकाते हैं तो वो आपका अकाउंट फ्रीज भी कर दिया जाता है। खाते में किसी संदिग्ध गतिविधि के कारण भी अपना अकाउंट भी इस कारण से भी फ्रीज कर दिया जाता है। किसी भी अवैध गतिविधि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, आतंकवाद के कारण भी आपका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है। तो इसे अनफ्रीज करने के लिए, यहाँ पर निष्क्रिय करने के लिए कौन कौन से हमें कदम उठाना ज़रूरी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपना सबसे पहले आप अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो आपको अपने जो होम ब्रांच है उसमें आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करना है, उसका नाम है मोशन टू बैकेट फाइल। ये फाइल आपको फिल करनी है, मोशन टू बैकेट फाइल करनी चाहिए। इसके लिए आपको ऋण संग्रह रक्षा वकील की आवश्यकता होगी, मतलब कोई भी आप एक वकील ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पक्ष में फैसला सुनाता है कोर्ट, अगर कोई भी जो कोर्ट है आपके पक्ष में फैसला सुनाता है तो आपका अकाउंट दोबारा से रिलीज कर दिया जाता है, उसे अनफ्रीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है इसकी, आपको सबसे पहले मोशन टू फाइल यहाँ पर पैकेट जो फाइल है यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसका फिल करने के बाद आपको अगर वो फैसला आपके पक्ष में जाता है तो आपका अकाउंट दोबारा से अनफ्रीज कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर दोस्तों आपका अकाउंट फ्रीज है तो इसका मेन कारण है अगर आपने टाइम पर लोन नहीं लिया है, लोन लिया तो या फिर उसे चुकाया नहीं, और इसके अलावा टैक्स भी आपने पे नहीं किया, या फिर संदिग्ध गतिविधि भी आपके अकाउंट में है तो आपका अकाउंट जो हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। इसे चालू करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ब्रांच में जाने के बाद अपनी जो ब्रांच है उसमें दोबारा से आपको मोशन टू पैकेट जो फाइल करनी होगी, करने के बाद आपके पक्ष में अगर फैसला आता है तो आपका दोबारा से ये अकाउंट रिलीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।